हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज की शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ों को कवर करेंगे। थंबनेल पर आप देख सकते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है आज की। यूपीपीएससी सीबीआई की लंबी पूछताछ, एलटी ग्रेड कला विषय पर विवाद। एलटी ग्रेड रिजल्ट को लेकर जब से परीक्षा हुई है तब से लेकर अब तक विवाद ही विवाद रहे हैं, और एक और विवाद अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से जुड़ गया है। यूपीपीएससी का एक और रिजल्ट जारी हुआ है और डीएलएड 2017-18 रिजल्ट जारी। यूपी पुलिस को लेकर लेटेस्ट न्यूज और पीसीएस 2018 की परीक्षा को लेकर लेटेस्ट न्यूज है, और अदर्स न्यूज में वो जानकारी आ जाएंगी जो थंबनेल पर नहीं आ पाती है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अच्छे लगे तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए आज की सभी न्यूजों को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली लेटेस्ट न्यूज है यूपीपीएससी को लेकर भर्ती घोटाला। सीबीआई ने पूर्व परीक्षा नियंत्रक से की पूछताछ। यूपीपीएससी में दर्ज किया गया बयान खंगाल गए परीक्षा अनुभाग, और संदिग्ध चयनितों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जाँच कर रही सीबीआई अचानक सक्रिय हो गई है। सीबीआई जाँच में लेट रही हुई मामले की 23 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सोमवार को सीबीआई के नए जांच अधिकारी एसपी विजेंद्र कुमार के प्रयागराज पहुंचने के बाद उनके नेतृत्व में जांच टीम उत्तर प्रदेश लोक सेवा यूपीपीएससी पहुंची और आयोग के एक पूर्व परीक्षा नियंत्रक से पूछताछ की। इस दौरान परीक्षा अनुभाग भी खंगाला। सीबीआई जांच शुरू होने के बाद यूपीपीएससी के पूर्व परीक्षा अध्यक्ष अनिल यादव के साथ एक परीक्षा नियंत्रक भी सीबीआई के निशाने पर है। पूर्व परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ सीबीआई में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। सोमवार सुबह सीबीआई की टीम आयोग पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। पूछताछ की के लिए सीबीआई की ओर से पूर्व परीक्षा नियंत्रक को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था, और क्योंकि जिन परीक्षाओं को लेकर सबसे ज्यादा विवाद रहा उनमें से ज्यादातर परीक्षा इन्हीं के कार्यकाल में आयोजित की गई है, और संदिग्धों से भी पूछताछ के लिए यहां पर बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व में आयोजित पीसीएस परीक्षाओं के कुछ संदिग्ध चयनितों को भी पूछताछ के लिए आयोग में बुलाया गया था, और सीबीआई जिस कार्यकाल में हुई परीक्षाओं की जांच करी है उन्हें परीक्षाओं को चयनितों से पूछताछ की गई। टीम के कुछ सदस्य काफी देर तक परीक्षा अनुभाग में रहे और वहां उन परीक्षाओं से जुड़े अभिलेख खंगाले जिन्हें लेकर कोई न कोई विवाद रहा है। इनमें पीसीएस 2015, एपीएस 2010 जैसी परीक्षाएं शामिल है। तो ये हाल है आपके यूपीपीएससी का। और फ्रेंड्स, डीएलएड की परीक्षा में 63% अभ्यर्थी उत्तीर्ण। डीएलएड प्रशिक्षण बेंच द्वितीय सेमेस्टर 2017-18 का रिजल्ट जारी। सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी ने अन्य परीक्षाओं का परिणाम भी किया घोषित। सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी की ओर से सोमवार को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड परीक्षण बेंच द्वितीय सेमेस्टर 2017-18 का रिजल्ट जारी कर दिया गया। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में सचिव की बैठक के दौरान कई अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट भी जारी किए गए हैं। इसमें रिजल्ट के लिए सोमवार को तमाम अभ्यर्थी सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय भी पहुंचे थे और रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे थे। परिणाम घोषित होने जाने से अब 2017-18 के उत्तीर्ण अभ्यर्थी टीईटी में आवेदन के लिए अर्य हो गए हैं। तो इनके लिए यहां पर अच्छी खबर है क्योंकि अब इनका रिजल्ट आ गया है। 2017-18 का द्वितीय सेमेस्टर 2017 द्वितीय सेमेस्टर और 2018 का रिजल्ट जारी हुआ। अब ये यूपी टीईटी में परीक्षा दे सकते हैं और आवेदन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा 14,561 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं और 19,476 अभ्यर्थी यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं 2017 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, 2018 की बात की जाए, 151,876 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 150,208 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। 95,087 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, 54,744 फेल हो गए थे। तो ये था आपका डीएलएड को लेकर लेटेस्ट न्यूज़। और डायट प्रवक्ता सांघी के 71 पदों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है यूपीपीएससी की ओर से। रात हमने आपको अपडेट दे दिया था। और एससी के 2 और एसटी का 1 पद खाली, 68 पदों पर हुआ है चयन। तो यहाँ पर 3 पद खाली रह गए हैं और बाकी के पद यहाँ पर भर गए हैं। तो ये न्यूज़ था आपका डीएलएड को लेकर। और फ्रेंड्स, 2018 की यूपी पुलिस की जो भर्ती थी उसको लेकर लेटेस्ट न्यूज है। कांस्टेबल भर्ती के रिक्त पदों को भरने पर जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 41,520 पुलिस कर्मियों की भर्ती में रिक्त रह गए 5,694 पदों को सफल अभ्यर्थियों से भरने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि हलफनामा दाखिल कर हर श्रेणी में खाली पदों की जानकारी दी जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी
ने लखविंदर सिंह और 137 अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को अजय प्रकाश मिश्र और 216 अन्य विचाराधीन याचिका के साथ संबद्ध कर सुनवाई हेतु पेश करने का आदेश दिया है। तो गाइस इसमें 5,694 पद खाली रह गए हैं जिनको लेकर हाई कोर्ट में याचिका थी और अब उस पर जवाब तलब है इन पदों को भरने के लिए। अब देख लेते हैं एलटी ग्रेड को लेकर जो विवाद चल रहा है कला विषय को लेकर उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स कला के चयनितों का भविष्य अधर में। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में आए दिन कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है। अभ्यर्थियों अभी तक रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे। रिजल्ट जारी होने के बाद चयनितों की पात्रता पर विवाद शुरू हो गया है। कला विषय के अधिकतर चयनित प्रावधिक कला में से इंटरमीडिएट हैं, उन्हें बीएड भी नहीं किया है। ऐसे में वे राज्य के इंटर कॉलेजों में नियुक्ति के पात्र नहीं है। तो गाइस कला में अधिकतर चयनित प्रावधिक कला से इंटरमीडिएट हैं, उनके पास बीएड डिग्री नहीं है, इस कारण करके यहाँ पर विवाद हो गया है। चयन होने के बाद उन्हें नियुक्ति मिले या नहीं उसे लेकर असमंजस की स्थिति है। चयनित बुधवार को आयोग अध्यक्ष से मिलकर सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक कला पद के लिए बिना बीएड के प्रावधिक कला से इंटरमीडिएट मांगा जाता है। बीते दिन आयोग ने कला विषय का जो रिजल्ट घोषित किया उसमें 468 में से 400 के लगभग चयनित इंटरमीडिएट में प्रावधिक कला से चयनित हैं जो राज्य के इंटरमीडिएट कॉलेजों में सहायक अध्यापक की पात्रता के अनुरूप नहीं है। तो ये विवाद आपकी कला पर चल गया है अब जा, और बुधवार को इस चीज को लेकर आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।